गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 संज्ञा का जो हम आधा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करे थे, अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोध कराती है? किसी का नाम बोध कराती है। तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा या राइट होगा? ये रॉन्ग होगा। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? भाव का। तो ये राइट होगा। किसी विशेष नाम का नाम, किसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि नहीं, नाम को, नाम सारा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये राइट होगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनती है क्या? नहीं बनती है। देखो, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग लिखो। देखो, नीरज ये क्या होगा? एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेकी भाववाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पायल, पायल क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। बुराई भाववाचक संज्ञा। पक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा। धरती व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक। नरेश व्यक्तिवाचक। जवानी भाववाचक। रास्ता जातिवाचक। मेज जातिवाचक। जाह्नवी व्यक्तिवाचक। नाला जातिवाचक। सुंदरता भाववाचक। अच्छाई भाववाचक। विशाल यह व्यक्तिवाचक। देखो, सही शब्दों से वाक्य पूरे करो। किसी वस्तु स्थान या भाव का नाम को व्यक्तिवाचक नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराती है वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। किसी के गुण दोष दशा स्वभाव और आदि के बारे में बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, रचनात्मक विधि, चित्र को देखकर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पर शब्द और वाक्य लिखो। देखो, ये क्या है? पिक्चर। ये पर्वत है तो जातिवाचक में क्या होगा? पर्वत। पर्वत भारत के उत्तर में एक पर्वतमाला स्थित है। व्यक्तिवाचक क्या होगा? हिमालय। हिमालय संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। भाववाचक, एवरेस्ट की ऊंचाई इतना मीटर है। ऐसे ही आप ये तीन पिक्चर देखकर आपको लिखना है।